हेलो एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा एंड फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंट्राडे स्टॉक्स के लिए, जो रहेंगे 2 सितंबर एंड द डे वुड बी वेडनेसडे। चलिए बात करते हैं गाइस। आप हमेशा परेशान रहते हैं एंट्रीज के लिए, मैं कहूँगा अगर आप जो है एग्जिट के ऊपर ध्यान देंगे तो आपके अगर लॉसेज यहाँ हैं तो यहाँ आ जाएंगे, प्रॉफिट यहाँ से अपने आप ऊपर चले जाएंगे। तो समझ जाइएगा कि एग्जिट्स जो एग्जिट क्या होता है, या तो आपका प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो एग्जिट्स आपके क्लियर हैं तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक बहुत क्लासिक एग्जांपल रहा है जिसको सब जानते भी हैं, जो इसको हर किसी ने माना भी है कि अगर जो है चक्रव्यूह का अभिमन्यु को पता होता कि कैसे एग्जिट करना है तो उनका वध नहीं होता। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, कि आपके जो है एग्जिट्स पहले डिफाइन करने चाहिए एंट्री से पहले। बात करते हैं निफ्टी के बारे में या मार्केट के बारे में। जैसे मैंने कहा था कि AGR है और GDP डेटा, GDP तो ऐसे दिखा रखा है, जो ग्राफ्स हैं बिल्कुल नीचे की तरफ माइनस में चला गया है, -23.3 से। और जो है बात करें अगर कल की मार्केट के बारे में, कल की मार्केट में मुझे लगता नहीं कुछ खास देखने को मिलेगा, क्योंकि सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि मॉरेटोरियम को अगले 2 साल तक डिले किया जा सकता है, बट उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है उसके लिए बात करना पड़ेगा। तो ये साइन है कि आप जो चाहते हैं कि मार्केट गिरे ना, और इसी वजह से और ज़्यादा जो है आपको पॉसिबिलिटीज और ज़्यादा ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। तो इस वजह से देखिए ज़्यादा मार्केट ने मूवमेंट नहीं किया, आज फिर से FII ने बाय किया, DII ने फिर से सेल किया है। और गाइज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कीजिए। मैंने क्या कर रहा हूँ, चलिए वापस आ जाते हैं इसके ऊपर। ये आप मेरे अगर चैनल में आएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो प्लेलिस्ट में जैसे पहले ये प्लेलिस्ट है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा मेजर जो है, राइट। और ये वाला प्लेलिस्ट अगर आप मार्केट में अभी आपने एंटर किया है, इस वाली प्लेलिस्ट को मैं अब रिफाइन करने जा रहा हूँ। मतलब इसमें जो वीडियोज हैं, जैसे मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया भी, इस वाली वीडियो में, कि मार्केट चेंज होती है तो उसके एंट्री एग्जिट उसके मेथड भी चेंज होते हैं, तो मैं नए सिरे से इस वाली जो है हमारी पुरानी वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो उससे क्या होगा, हो सकता है इस टाइम इसमें और आज के लेवल्स में काफ़ी डिफरेंस मिले, तो हम इसको मार्केट के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। तो अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो जब भी हम आपके लिए वीडियो पोस्ट करेंगे यू विल गेट द कन्फर्मेशन अबाउट दैट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट दिस पॉइंट हियर। ये एक हमारे जो हैं वेरी ऑनेस्ट रिप्लाई, ही इज मिस्टर मानव, ही इज वर्किंग इन एडवाइजरी फर्म, और उनका टीम जो है वो हमारे जैसे कॉल नहीं दे पाता। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट बट आई लाइक द ऑनेस्टी ऑल्सो, मैं भी हमेशा कहता हूं। देखिए बचपन में क्या होता था, बचपन में एक बात सीखी थी हमने, क्या सीखा था बचपन में, कि जो है वो काम कीजिए जो आपका दिल करे, तो क्या होगा, जॉब और पैशन में डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं, तो पैशन को परस्यू करेंगे तो आप दिल से काम करेंगे। तो गाइज जो भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं या स्टॉक सिलेक्शन करता हूं वो मैं अपने दिल से करता हूं, मेरे लिए ना तो कोई ऑब्लिगेशन है ना ही मुझे किसी को जो है प्लीज करना है क्योंकि मैंने पैसा लिया हुआ है। तो वट एवर आई डू इट फ्रॉम माई हार्ट। हो सकता है मानव जी अपनी टीम को बोलिएगा कि जो है थोड़ा सा दिल से काम करें तो शायद आप लोग भी अच्छे स्टॉक निकाल पाएंगे। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि सॉरी टू कट यू ऑल्सो, टिप्स प्रोवाइडर को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ठीक है। आई एम आपको मैं एक कॉम्प्लीमेंट में दिखा रहा हूँ, उनके लिए गलत भी कह रहा हूँ, सॉरी अबाउट दिस, बट दैट्स हाउ द मार्केट हैज टू बी। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं कल के स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। तो हमारा पहला था अदानी पोर्ट्स में, अदानी पोर्ट्स में हमने आपको दिया था 359 का बाय था और जो है 353 का सेल था। तो अगर आप यहां देखेंगे 359 का बाय, मतलब अगर यहां आपने बाय किया था समवे क्लोज, तो हो सकता है आपको फर्स्ट टारगेट ही हिट मिला है, अदरवाइज जो है अगर आपने 353 का जो अगर आपने सेल किया तो बड़ा फॉल आपको जरूर मिला होगा देखने को, विच इज कंफर्टेबल, विच मीन्स आपके जो सेलिंग साइड में
बाइंग साइड में फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है, सेलिंग साइड में आपके जो है 342, विच मीन्स ऑलमोस्ट हमारे टारगेट से भी नीचे की तरफ हमारा जो है लेवल हिट हुआ। अगला स्टॉक की बात करें, रिलायंस के बारे में। रिलायंस का मैंने कल भी कहा था, देखिए अभी भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास में, थोड़ा सा गाइज समझिए बात को, क्या जल्दी है फ्यूचर रिटेल में एंटर करने की? आपका पैसा लगाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरे से पूछेंगे तो शांत रहिए। रीजन क्या है? अभी मार्केट ने उसको कैसे समझा है आपको पता है? मार्केट ने उसके जो है डील को कैसे इंटरप्रेट किया आपको पता है? क्या मार्केट उस चीज को पॉजिटिव समझ रही है, नेगेटिव समझ रही है, क्या आपको पता है? अभी हमें नहीं पता है, एनालिस्ट को नहीं पता, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। जल्दीबाजी करनी है तो प्लीज आप जो आपका मन करे वो कीजिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए, बेटर रहेगा। अगर हम बात करें रिलायंस की, 21,200 तो हमारा बनेगा नहीं, 260 पे हमारा जो था वो नीचे आया नहीं, मतलब अगर मान के चले कि आज के दिन में कोई ट्रेड नहीं होता, क्योंकि मैंने आपसे कहा है बड़ी कैंडल में कभी एंटर मत कीजिए अगर आपको, और जो है एक टाइम के बाद में स्टॉक में एंट्री मत लीजिए। तो इट मींस नो ट्रेड इन रिलायंस टुडे। मार्केट कल भी ऐसे ही रहेगा, मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। अगर आपको लग रहा होगा कि आज हमने आपको जो है टेलीग्राम पे ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, क्या सपोर्ट करें जब कुछ है ही नहीं, जबरदस्ती ट्रेड वाली बात है, तो कभी कभी ट्रेड ना करना भी एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है। मेरे पास एक ही ट्रेड चल रहा है जो हमने फ्राइडे को लिया था, एक स्ट्रेटजी है जो हमारा, उसमें हमने जो है टारगेट रखा हुआ है 11,500 की एक्सपायरी का, अगर वो हो जाता है तो उसमें हमें 12,000-13,000 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने दो स्ट्रेटजी बना रखी है उसमें, अदरवाइज एक स्ट्रेटजी पे 6,000 का, तो वही चल रहा है। एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड टुडे एंड नीदर आई एम गोइंग टू टेक एनी ट्रेड टुमारो, तो कल का भी हमारे पास ये रहेगा। बात करते हैं कॉनकोर की। कॉनकोर में मैंने कहा था कि 390 को ब्रेक करेगा तो एक पॉसिबिलिटी है जो मार्केट नीचे गिर सकती है। तो देखिए 390 को सिर्फ टच किया है, क्योंकि ये जो लेवल्स थे वो बता रहा है कि ये लेवल इसके लिए क्रूशियल है, और अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे जाता, लेकिन वहां से होल्ड करके मार्केट ने फिर आपका जो है ऑलमोस्ट इट राइजेस बैक टू 402 विच इज हिटिंग बोथ द टारगेट्स। तो याद रखिएगा लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं होते हैं। बहुत से जो है कहते हैं कि लेवल्स को, लेवल्स का मतलब देखिए कैसे समझाऊं, कैंडल ही लेवल्स होते हैं, अदरवाइज मैं आपको जो है ब्लैक एंड व्हाइट का जो नंबर्स वाले चार्ट है उस पर अगर बताऊंगा तो वही लेवल्स आपको समझ में आएंगे। तो लेवल्स हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तो सेकेंडरी होता है। बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में हो सकता है आज आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ भी हो या कोई ट्रेड नहीं भी मिला हो, बिकॉज जो है मार्केट काफी वॉलेटाइल रहा है। 501,492 नहीं, इसमें तो नहीं होगा, और 5,492 पे यहां पे हमारे, तो विच मींस आपके जो है सेलिंग की तरफ हमारा जो है सेकंड टारगेट हिट हुआ है। 482 का सेकंड टारगेट था, तो 482 के आसपास समवेयर क्लोज टू हमारा सेकंड टारगेट सेलिंग की तरफ हिट हुआ इन एक्सिस बैंक। और अगर बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, याद है मैंने आपको कहा था कि इतने बड़े फॉल के बाद में शॉर्ट कवरिंग आती है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब है जिसने शॉर्ट्स बनाया था, शॉर्ट्स का मतलब सेल किया था, आज वो बाय करेंगे, जब बाय करेंगे तो जनरली मार्केट ऊपर जाता है। तो ये है आपका देखने को। अब इसमें क्या हो गया, आज ऑलमोस्ट जहां पे ओपन हुआ है वहीं पे क्लोज हुआ, क्योंकि गैप ऑफ ओपनिंग हुआ था, क्योंकि मार्केट में सुबह ही सबने अपने जो है शॉर्ट्स को एग्जिट कर दिया था प्री ओपन मार्केट में ही। तो एक इनडिसिसिव डोजी बना है जिसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें कहां बाय करना है। आई थिंक ये जो हमारा लेवल होना चाहिए ये बाय का होना चाहिए, और ये जो लेवल है हमारे पास में ये समवेयर क्लोज टू सेल होना चाहिए। तो देखते हैं कौन से लेवल्स आते हैं, कौन से हमें बाय सेल के लिए, जब हम इनके लेवल्स को चेक करेंगे। अगला है हमारा बैंक निफ्टी की तरफ बात करें। गाइस मैं चाहूंगा बैंक निफ्टी को कल आप ट्रेड ना करें, रीजन ये नहीं, क्या होता है जब आप मॉरेटोरियम की बात करेंगे तो मार्केट में से भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके चलेगा, और कल ही कोई डिसीजन आना है नहीं, अभी थोड़ा सा और चलेगा, तो मे बी पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि मार्केट रेंज बाउंड वोलेटाइल रहे, आपको कुछ हाथ ना लगे, इसीलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। फिलहाल लेवल्स हमारे पास में आज
जो बनाया तो वही इनडिसिसिव है, लेकिन अगर आप यहां करेंगे ये सेल हो जाएगा और यहां आप हमारे पास बाय हो जाएगा। स्टिल हम चेक करेंगे कहां हमें बाय करना है, कहां हमें सेल करना है व्हेन वी गोइंग टू लुक एट दी लेवल्स हियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कल के ट्रेड्स के बारे में बात करें। तो कल के हमारे पहला ट्रेड्स रहेगा हमारा ये है एच रेक लिमिटेड। गाइस रेक लिमिटेड का चार्ट है। रेक लिमिटेड ने आज पूरा दिन अपने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की है और लगातार हिट किया है, ऐसा नहीं एक बार, लगातार छोटी बड़ी सब कैंडल उसने वहां हिट किया है। तो मैं ये कहूंगा अगर ये 1112 को ब्रेक करता है तो ये भागेगा ऊपर की तरफ, और अगर ये कल ऐसा हुआ कि मार्केट में कोई नेगेटिविटी आई तो ये भागेगा नीचे की तरफ। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कहां हमें बाय करना है, कहां हमें सेल करना है, विल बी यू कैन से ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, तो वो हमें मार्केट ओपनिंग में पता चलेगा और लेवल सब भी डिस्कस करेंगे। अगला है हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील ने अपने इस लेवल को अचीव कर लिया था जब मैंने कहा था कि इसको सेल कीजिएगा। अब देखिए वी शेप रिकवरी लिया है पूरा भयंकर वाला, जहां से शुरू हुआ था वहां वापस आ गया है। मतलब अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये 290 के ऊपर भागेगा ऊपर की तरफ, इसके बाद ये सीधा रुकेगा 300 पे। लेकिन अगर इसने ये सिर्फ टच करके यहां पे आना शुरू हुआ तो ये तेजी के साथ में नीचे गिरेगा एंड द फॉल विल बी बिग एंड द राइज विल बी ऑल्सो बिग इन जेएसडब्ल्यू स्टील। आइशर मोटर की बात करें, आइशर मोटर ने अगर आप ध्यान से देखेंगे ये लेवल्स है, सॉरी ये वाला, ये वाला लेवल नीचे ऊपर वाले का छोड़ दीजिएगा, नीचे वाला है 2020 के आसपास जो है उसमें जो है आराम से हमारे लेवल्स ब्रेक करते हैं तो तेज साथ नीचे गिरेगा, और वहां रुक गया और वहां से बाउंस बैक करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये पहले भी ऐसा कर चुका है और पहले भी ऐसा कर चुका है पहले भी, ठीक है। तो अगर ये लेवल इसके पास में है तो ये लेवल इसके लिए क्रूशियल रहेगा, राइज करे या फॉल करे ये लेवल दोनों तरफ आपको हेल्प करेगा, इसीलिए हमने पिक किया है आइशर मोटर को। अगला देखते हैं ये है हमारा एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ देखिएगा रेक लिमिटेड याद है, सेम कॉन्सेप्ट ऐसे और ऐसे, उसने भी बार बार इसी को ब्रेक करने की कोशिश किया है, चाहे फर्स्ट कैंडल ले लीजिए चाहे लास्ट कैंडल ले लीजिए, दोनों तरफ में मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश की है एचडीएफसी लाइफ। तो जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया था रेक लिमिटेड में, सेम कॉन्सेप्ट आप यहां यूज करेंगे, ऊपर जाएगा तो राइज और अपना ये नीचे ब्रेक करता है तो फॉल। तो चलिए जानते हैं कहां आपको बाय करना है और कहां सेल करना है इन दिस लेवल्स हियर। तो जैसे चार्ट एनालिसिस हम डिस्कस कर ही चुके हैं तो देखते हैं कहां बाय करेंगे कहां सेल करेंगे इनके लेवल्स के बारे में। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि हर स्टॉक सिलेक्शन के पीछे चार्ट रीडिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आप चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हैं, चार्ट रीडिंग के कॉम्पोनेंट्स को समझना चाहते हैं, कैंडल्स, हाउ टू बिल्ड योर स्ट्रैटेजीज, हाउ टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई द सपोर्ट रेसिस्टेंस और इंडिकेटर्स को कैसे रीड किया जाता है, उनसे आपके एंट्री एग्जिट कैसे निकाला जा सकता है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम पर। हमारे पास दो प्रोग्राम्स होते हैं, एक वो जिसमें आप चार्ट ट्रेडिंग और स्टॉक सिलेक्शन की बात करते हैं, जहां पे हम इंट्राडे और पोजीशंस जो हैं आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा वो अगर आपका टाइम कम होता है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के लिए भी। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में हम वो सब कवर करते हैं जिससे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को ईजिली ऑप्शन के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपका हमारे प्रोग्राम्स के लिए क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप हमें व्हाट्सएप करके और 9711411007 पर ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। रेक लिमिटेड को बाय करेंगे 112.50 के ऊपर, 111 का स्टॉप लॉस रहेगा, फर्स्ट टारगेट 114, सेकंड टारगेट 115 का रहेगा। सेल करेंगे 110 के नीचे, स्टॉप लॉस रहेगा 11.50 का, फर्स्ट टारगेट 108, सेकंड टारगेट 107 का रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा एंट्रीज सेकेंडरी होना चाहिए,
एग्जिट्स आपके फर्स्ट होने चाहिए। समझिए या थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। एक कॉलेज में या स्कूल में एक साल लगता है एक क्लास को अगली क्लास में प्रमोट होने के लिए, क्या जल्दी है स्टॉक मार्केट में? पैसा बचेगा तो अगली क्लास में जाएंगे, पैसा नहीं बचेगा तो फेल होकर डिमोटिवेट होकर बाहर निकल जाएंगे। JSW स्टील को बाय करेंगे 290 के ऊपर, सेल करेंगे 284 के नीचे। बाय साइड 293 फर्स्ट टारगेट, 296 सेकंड टारगेट। सेल साइड 281 एंड 278 विल बी आवर फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट। इन आइशर मोटर वी गोइंग टू बाय अबाउट 2150, फर्स्ट टारगेट 2170, सेकंड टारगेट 2190। वी गोइंग टू सेल बिलो, ओ सॉरी ये रहेगा 2110, ठीक है ये रहेगा गाइस 2110 का रहेगा आपका जो है सेल टारगेट। सो आप सेल करेंगे 2110 के नीचे, फर्स्ट टारगेट रहेगा 2090 का और सेकंड टारगेट रहेगा 2070 का। स्टॉप लॉस में रहेगा आपका दोनों तरफ 2130 का। एंड जैसे मैंने आपको हमेशा कहता हूं, अभी आपने देखा भी कमेंट बॉक्स में मिस्टर मानव का, देखिए जब कोई चीज फ्री में दी जाती है, जैसे मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूं, तो आपके बहुत सारे जो हैं कि चल कुछ नहीं है ये नहीं, पहले पैसा दे के देखिए, आप उन कंपनीज को ज्वाइन करके देखिए, एक महीना तीन महीने उन पर काम करके देखिए, बाद में अगर वापस आना हो तो प्लीज लेट मी नो, आपको एक एक वर्ड का वैल्यू समझ में आ जाएगा। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसलिए कि आपके जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं और जब आप कहते हैं, तो गाइज थोड़ा सा कभी सर्विस लेके देखिए, आपको जो वर्ड्स का ना डिफरेंस समझ में आ जाएगा। चलिए HDFC लाइफ को 585 के ऊपर बाय करेंगे, 575 के नीचे सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट 590, 595 सेकंड टारगेट 570 एंड 565 फर्स्ट एंड द सेकंड टारगेट ऑन द सेल साइड। निफ्टी को बाय करेंगे 11520 के ऊपर, फर्स्ट टारगेट 570, सेकंड टारगेट 11600 का रहेगा। सेल बिलो 11400, 440, फर्स्ट टारगेट 380, सेकंड टारगेट 350 का रहेगा ऑन द सेल साइड। इफ यू टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, बाय अबाउट 23900, फर्स्ट टारगेट 24100, सेकंड टारगेट 24300, सेल 23700, फर्स्ट टारगेट 23500, सेकंड टारगेट 23300 का रहेगा। कोशिश कीजिए कि कल बैंक निफ्टी को से दूर रहें तो बेटर रहेगा, बाकी तो आपकी मर्जी है, मेरा काम सिर्फ आपको एडवाइज करना है। एंड गाइज ऑल दीज वीडियोज विच आई रिकॉर्ड फॉर यू आर फॉर एजुकेशन पर्पसेस, एंड इफ यू आर टेकिंग ए ट्रेड ऑन माई रिकमेंडेशन देन डू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स। कोई क्वेश्चन क्वेरीज आते हैं तो आप लिखिएगा, आप थोड़ा सा और रिफाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि जो पुरानी वीडियोज़ हैं उन्हीं को आप थोड़ा सा आपके जो हैं वो स्ट्रैटेजी वीडियोज़ का जो प्ले लिस्ट है उसी को नए मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ में। और थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस, एंड इफ इन केस यू वांट सम अकाउंट ओपनिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड गाइस दैट्स ऑल अबाउट इट, आई विल सी यू इन टू माय नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।